फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, पर फिर भी मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाली हूँ कि यहाँ पे जो घरों की छत है ना, वो यहाँ पे किस तरह से होती है। और यहाँ पे चल रही है आजकल छतों की सारों की रिपेयर, तो कुछों की कर दी है। और मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि यहाँ पे किस तरह की छत होती है और किस तरह से यहाँ पे लोग रिपेयर करते हैं। बहुत ही ज़्यादा सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बाहर लेकर चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ बाहर का। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है छत जहाँ की मैं आपको बता रही थी कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चल रहा छत की रिपेयरिंग का काम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है और बारिश भी होती रहती है, तो छत की जो लेयर होती है ना ऊपर वाली, वो थोड़ी सी ख़राब जाती है, तो इसलिए टाइम टू टाइम इसको रिपेयर करते रहते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आज जितना इन्होंने करा ये आज ही पूरा कंप्लीट करके जाएंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये सामने एक इन्होंने इस तरह की मशीन सी लगाई हुई है, जो भी ऊपर से कुछ हटा रहे हैं ना ये छत का, वो डायरेक्ट इसी में जा रहा है, तो एक्स्ट्रा गंदगी नहीं होगी। और जो होगी भी थोड़ी बहुत, तो इन्होंने इस तरह से पन्नी से चारों तरफ कर दिया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसके पीछे की है, तो इन्होंने ये एक दो दिन में कर दिए हैं। तो ये देखिए बिल्कुल चेंज होके बिल्कुल इस तरह से हो गई हैं। तो अब जो भी कर रहे हैं वो भी ऐसी हो जाएंगी। देखिए पूरे में इस तरह से इन्होंने बाउंड्री लगाई हुई कि कोई भी इसके अंदर आए ना। तो ये देखिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ये इधर, और ये बनने के बाद ऐसे हो गए फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, शाम का टाइम हो गया है, तो अभी देखिए मोस्टली सारा काम हो गया है, थोड़ा बहुत रह गया है, तो ये अकेला बंदा लगा हुआ है करने में, इसका अभी होने वाला। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, नीचे बिल्कुल साफ सफाई हो गई है, बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे अभी किसी ने काम करने वाले था। आर यू बर्ड? नो, तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ किचन में। मैं सोच रही हूँ कि आज मैं बना लूँ कचौड़ी, आलू की सब्जी, लावे को बहुत अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स, आज से सकट तो जो बच्चों को पसंद होता है, आज मैं बच्चों के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। मेरे बच्चों को हलवा बहुत पसंद है, तो इधर मैं हलवे की तैयारी भी कर रही हूँ और देखूंगी और मैं क्या क्या बनाती हूँ। और आज मैंने दिन में लड्डू वगैरह बनाए थे, तो वीडियो तो मैं उनकी नहीं बनाई, ये मैंने उनकी, पर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितनी तरह की मिठाई बनाई है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं पहले हलवा बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं करूंगी बाकी के सारे काम। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं सूजी को भून रही हूँ। फ्रेंड्स, सूजी का हलवा बनाने में सबसे जो मेन मेरे को लगता है वो है कि सूजी को अच्छे से हमें भूनना चाहिए। सूजी का जो गोल्डन ब्राउन कलर होता है ना, जब तक वो ना आए और खुशबू ना आए ना, तब तक उसको धीमी आंच पे हमें भूनते रहना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बहुत थोड़ा सा हलवा बना रही हूँ, क्योंकि मेरे को भोग लगाने के लिए भी चाहिए और मेरी दोनों बेटियों को हलवा बहुत पसंद है, दोनों बहुत ही खुश होकर खाती हैं, तो इसलिए बस मैंने थोड़ा सा ही हलवा बनाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा हलवा बन गया है। और मैंने फ्रेंड्स इसमें ड्राई फ्रूट्स अभी ऐड नहीं करे हैं, क्योंकि बच्चों को ड्राई फ्रूट्स बहुत कम पसंद होते हैं, तो मैंने उनका निकाल लिया है। और जो बाकी का बचा हुआ है उसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देती हूँ, क्योंकि ड्राई फ्रूट से हलवा बहुत अच्छा लगता है खाने में, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए फाइनली हलवा बन के हो गया है रेडी। और फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन सी मिठाई बनाई है तिल की। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आटे के और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाए हैं घी डाल के, तो ये बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, तो ये मैंने काफ़ी सारे बनाए हैं। और ये देखिए, ये मैंने जो रोल होते हैं ना तिल के, ये इस तरह की बनाई हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बनाई थी मैंने सारी मिठाइयाँ। और फ्रेंड्स, थोड़ी सी मैंने बनाई है छोले की सब्ज़ी, और लावे को आलू की सब्ज़ी पसंद है, तो मैंने थोड़ी सी अलग से उसके लिए आलू सब्जी बना ली है। और ये साथ में मैंने पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि पूड़ी के साथ गोभी या कोई भी सूखी सब्ज़ी होती है तो साथ में अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, मेरी सब्ज़ियाँ बन के हो गई रेडी, तो मैं सोच रही हूँ कि साथ साथ मैं पूड़ियाँ भी निकाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इधर पूड़ियाँ बना रही हूँ, बच्चों को पूड़ियाँ बहुत पसंद होती हैं और मेरी दोनों बेटियों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। वो बोलती रहती हैं बीच बीच में कि मम्मा हमें पूड़ी खानी है, तो कई बार तो मुझे स्पेशली उनके लिए पूड़ी बनानी होती हैं, तो आज मैं उनको बता रही थी आज पूड़ियाँ बन रही हैं, तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तो बच्चों के लिए पूड़ियाँ बना रही हूँ, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना लूँगी, और आज फ्रेंड्स मैं बनाऊँगी कचौड़ियाँ भी साथ में। तो देखिए, हमारे यहाँ पर जब सकट होती है तो हमारे यहाँ पर स्पेशली कचौड़ियाँ बनती हैं, और मेरे को आलू की कचौड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही मैं इस तरह से अल्टा पलटी करके बना रही हूँ, तो इस तरह से जब हम कचौड़ी बनाते हैं ना फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो आप गर्मा गर्म खाओगे तो आपको इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, साथ के साथ मैंने बना ली है कचौड़ी। तो फ्रेंड्स, मैं अभी कर लेती हूँ भोग की प्लेट तैयार। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आज मैंने खाना बनाया था, तो मैंने लगा दी सबसे पहले भोग। ये देखिए, दोनों बच्चे मेरे आगे साथ में
पूजा करने के लिए, भोग लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स मैंने खाना लगा लिया है डाइनिंग टेबल पे और बच्चे भी आ गए हैं, तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम सब लोग खाना खा लेते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब।